वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह कहानी घर में खुश आमदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी सोने का कड़ा और जमींदार। गांव में एक जमींदार रहा करता था जिसका बेटा जुए में मुलव्वस था और वो आए दिन जमींदार के पैसे जुए में लुटा दिया करता था, जिसकी वजह से जमींदार ने अपने बेटे को पैसे देने से मना कर दिया। इसीलिए जमींदार के बेटे ने खजांची का रुख किया और कहा, मुझे 1000 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें 2-4 दिन में वापस कर दूंगा। खजांची ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता, तुम्हें कोई ना कोई चीज़ गिरवी तो रखवानी पड़ेगी। जमींदार के बेटे ने जल्दी से अपना सोने का कड़ा उतारा और गिरवी रखवा दिया। खजांची ने भी उसको फौरन 1000 रुपये दे दिए। लेकिन जमींदार का बेटा बहुत झगड़ालू था। उसने 2-4 दिन क्या 2-4 साल हो गए 1000 रुपये वापस नहीं किए और खजांची बहुत परेशान हो गया। इसी दौरान जमींदार का भी इंतकाल हो गया और जमींदार की गद्दी जमींदार के बेटे ने संभाल ली। अब खजांची बहुत परेशान हुआ कि बिलाखिर मैं पैसे लूँ तो कैसे लूँ, आखिरकार वो पूरे गांव के बड़े हैं, मैं उनसे पैसे कैसे निकलवा सकता हूँ। एक दिन खजांची ने नाई से अपने बाल कटवाते हुए नाई को सारा माजरा सुना दिया और ये भी बताया कि अगर जमींदार का बेटा मेरे पास आया और सोने का कड़ा मांगा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। मेरे पास तो कोई जवाब भी नहीं बन रहा और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जमींदार के बेटे को दूसरों पर जुल्म करने में बहुत मज़ा आता था। 1-2 दिन गुजरे थे इस बात को कि जमींदार का बेटा खजांची के घर आके कहने लगा, ये लो अपने 1000 रुपये और लाओ मेरा सोने का कड़ा मुझे वापस करो। जमींदार के बेटे को यकीन था कि वो इस तरह खजांची पर जुल्म जबर कर सकता है, लेकिन खजांची ने भी मंसूबा बंदी के तहत उसको सोने का कड़ा फौरन ही वापस कर दिया और जमींदार से भी पैसे निकलवा लिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब ये सीधी उंगली से नहीं निकलता तो वक्त के हिसाब से उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। नई सुबह कहानी घर में इतना ही, मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।